रमजान महीने में सदियों से हजरत अली के नाम का ताबूत उठाया जाता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से लोग घर में रहकर गम मना रहे हैं। दरअसल 19 रमजान 40 हजीरी को मुस्लिमों के खलीफा और शियाओं के पहले इमाम हजरत अली असबर इराक की मस्जिद कूफा के अंदर हमला हुआ था, जिसके दो दिन बाद 21 रमजान को उनकी शहादत हो गई। यह हमला उन पर जालिम अब्दुल रहमान इनबे मुलजिम ने सुबह की फर्ज नमाज पढ़ते वक्त सिर पर तलवार मारकर किया था। इतिहास में पहली बार किसी ने मस्जिद के अंदर हमला किया था। तब से लेकर हर साल 19 से 21 रमजान का दिन हजरत अली अस की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तकरीबन 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं हर साल उनके चाहने वाले उनका ताबूत निकालकर उनकी याद में नौहे मजलिस मरसिए पढ़ते हैं, साथ ही दुनिया को संदेश देते हैं कि जालिम कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी ताकतवर हो जाए, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। हिंदुस्तान में करीबन 100 साल से लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली समेत कई राज्यों में जुलूस निकलता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं और आजादारी करते हैं। जब हजरत अली के नाम का ताबूत उठाया जाता है तो हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते ऐसा करना संभव नहीं हो पाया, तो लोग घर में बैठकर ही गम मना रहे हैं। लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए जुलूस नहीं निकाले, ना ही मजलिसें हुई, बस घरों में रहकर काला लिबास पहनकर या अली मौला हैदर मौला की सदाएं गूंजी। महिलाओं ने चूड़ियां तोड़कर गम मनाया। इफ्तारी में भी कोई खास पकवान नहीं बनाए गए, सादगी से रोजा इफ्तार किया गया। कहते हैं कि हजरत अली इंसाफ परस्त और इंसानियत रखने वाले थे और हमेशा हक के रास्ते पर ही चलते थे, बस उनकी इसी सच्चाई के कई दुश्मन भी बन गए थे। हजरत अली पर मस्जिद में हुए हमले के बाद हजरत अली के ही बेटे हजरत हुसैन अल को कर्बला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा उनके 71 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया था। न्यूज़ डेस्क।